सदगुरु कबीर ने कहा है, जो कुछ करूं सो पूजा। पूजा क्या है? लोग पूजा उसे मानते हैं किसी मूर्ति के पास, किसी फोटो या चित्र के पास, या किसी संत या गुरु के पास जाकर के अगरबत्ती जला लेना, फूलबत्ती जला लेना, पूजा और पाठ कर लेना, इसे लोग पूजा मानते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में बड़े धूमधाम से अधिकतम माताएं भाइयों सब लोग जाकर के एक मूर्ति के पास अपना इष्ट मान करके पूजा करते हैं। ये पूजा करना ही पूजा नहीं है, ये बहुत आसान है, ये पूजा करना, लेकिन असली पूजा ये नहीं है। किसी मूर्ति के पास जा करके अगरबत्ती जला लेना, फूलबत्ती जला लेना, या किसी चित्र के पास, चाहे क्यों ना कबीर साहब हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, किसी भी मूर्ति के पास, फोटो के पास एक फूलबत्ती प्रज्वलित करके, एक अगरबत्ती जला करके पूजा कर लेना, ये बहुत आसान है, लेकिन मूलतः ये पूजा नहीं है। पूजा कुछ और है। पूजा है हम किसी असहाय का सहारा बने पूजा है, किसी अनाथ का नाथ बने पूजा है, किसी दुखी और लाचार व्यक्ति को सहयोग दे पूजा है, किसी के दुख में द्रवित हो उठना पूजा है, जिसके पास भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, उनको भोजन अन्न की व्यवस्था करना पूजा है। पूजा ये है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ करो सो पूजा, बाकी पूजा तो सिर्फ एक कर्मकांड का सूचक है। इससे आदमी को थोड़ी देर के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन मूलतः पूजा उससे एकदम अलग है। पूजा से आदमी का जीवन बदल जाता है, लेकिन हम पूजा के नाम पर कर्मकांड बस करते रह जाते हैं, इसलिए जैसे के तैसे हम रह जाते हैं। मील के पत्थर सिर्फ चिन्ह बताता है, वैसे ही हम पूजा कर रहे हैं कहते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूजा करने वाला आदमी का मन द्रवित हो उठता है, किसी गरीबों के लिए सहायक बनता है, किसी अनाथों के लिए नाथ बनता है। पूजा करने वाला व्यक्ति का मन चंचल नहीं होता, पूजा करने वाला व्यक्ति का मन हमेशा आत्मा में लीन होता है। लेकिन आज की पूजा क्या है? अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में पहले नवरात्रि का सिस्टम था, जैन परंपरा में और हिंदू परंपरा में ज़्यादा करके नवरात्रि के समय लोग बड़े धूम और धाम से अपने मन को तैयार करते थे, मन को एकांत करते थे, मन को 9 दिन तक, कम से कम हम साल भर नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 9 दिन तक देवी माँ की पूजा में, उपासना में रहेंगे करके अपने आप को तैयार करते थे और मन को तैयार करते थे, एकांत सेवन करते थे, अच्छे चीज़ों का खाना पीना, अच्छा बोलना, अच्छा चलना, हर क्रियाकलाप पूजा था उनका। गलत चिंतन नहीं करते, गलत नहीं बोलते, गलत नहीं देखते, गलत नहीं सोचते, गलत खाते पीते नहीं, पति और पत्नी है दोनों अलग अलग कक्ष में शयन करते, न ही गलत चीज का सेवन करते, ऐसी पूजा होती थी नवरात्रि में। नवरात्रि का मतलब होता था 9 दिन तक पूरा अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना माता की यादों में। कम से कम जब माँ बच्चा को पैदा करती है तो 9 माह तक अपने कोख में रखती है, लेकिन एक इंसान 9 दिन तक, उस 9 महीने के बदला 9 दिन तक भी अपने को सुरक्षित नहीं रख पाता है। उस माँ की वेदना के लिए, उस माँ की पीड़ा को समझने के लिए 9 दिन तक अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाता है। आदमी गलत खाता है, गलत पीता है, गलत सोचता है, गलत बोलता है, गलत कर्म करता है, आदमी की हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि पूजा और पाठ एकदम किनारे रह जाता है, सिर्फ आदमी भौतिक पदार्थों का बंडल की तरह इंसान जीता है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ बस बिजनेस और व्यापार बन चुका है जीवन भी, जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं।
एक व्यवसाय बन चुका है जीवन भी। हाँ, इतना समय आना है, अगरबत्ती जलाना है, पूजा करना है, पाठ करना है, फिर काम में जाना है, बिजनेस में जाना है, वही दो नंबर का काम धंधा फिर शुरू कर देना है, वही गाली गलौज फिर शुरू कर देना है। कौन सी पूजा है ये? कौन सी पूजा है? इस पूजा से फायदा क्या है? पूजा ऐसी होनी चाहिए कि मन की वेदनाएं सामने समझ में आने चाहिए, किसी के दर्द सामने समझ में आना चाहिए, किसी के दर्द दुख में दर्द में सहायक बनना चाहिए, तब तो पूजा की सार्थकता है। प्राणियों पर जीवों पर दया का नाम होना चाहिए, तब तो पूजा की सार्थकता है। और जब हम ये चीज नहीं किए तो हम न किसी माँ को समझे, न किसी दुर्गा माँ को समझे। असली दुर्गा माँ, असली माँ जिन्होंने हमको जन्म दिया, उस माँ के लिए कितनी उपासना है। अभी उपवास में आप पूजा कर ले, पाठ कर ले, अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पूजा और पाठ, सत्संग की जरूरत, घर के रहने वाली माँ के लिए पूजा की जरूरत है। आज हमारे भारत देश में आए दिन अत्याचार अनाचार बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन पेपर में रंगे हाथ रंगे रंगीले पेपर मिलते हैं, यहाँ इतने केस हुआ, यहाँ इतने बलात्कार का केस हुआ। पूजा की सार्थकता ये नहीं है। आदमी बाहर से धार्मिक बन रहा है, लेकिन अंदर से खोखला होता चला जा रहा है, अंदर से खोखला होता चला जा रहा है। आदमी बाहर से धार्मिक दिखना चाहता है, आदमी बाहर से धार्मिक बनना चाहता है, लेकिन अंदर से नहीं बदलना चाहता है। अंदर तो प्लास्टर हो चुका है, अंदर प्लास्टर हो चुका है, कर्मों का, कुकृत्यों का प्लास्टर हो चुका है। इसलिए भारत सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलती है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग से जीवन बदलता है। आदमी के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, आदमी के कार्य व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र में मन है, मन के लिए कोई साधन नहीं है। ये संतों की कृपा है, अहेतु की कृपा, जो कि बिना कुछ इच्छा और चाहना के हम लोगों की नैया को पार लगाते हैं, यहाँ तक पहुँचाते हैं। आज हम अपने ही परिवार में, समाज में खुले आवाज से सदगुरु कबीर के आवाज पर लहराते हैं, और खुले आवाज से हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र जीवन, अच्छा जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हम जीवन को परमार्जित कर सकते हैं, हम जीवन को तराश सकते हैं और सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। ये संतों की कृपा है जो आज हम सब ये जानते हैं आज। नहीं तो लोगों ने पूजा और पाठ के नाम पर आदमी के बुद्धि को मुड़ता चला गया, ब्राह्मणवाद नहीं, इस तरह से आदमी को शोषण किया, आदमी को बुद्धि को इस तरह से शोषण किया ब्राह्मणवाद ने, तुम कुछ नहीं कर सकते, होगा वही जो भगवान चाहेगा बस। भगवान के नाम पर ऐसे रटाया गया, तोता रटन, ऐसे रटाया गया, ऐसे रटा गया, रटता चला गया आदमी, कि अपना विकास भूल गया आदमी, अपना उत्थान करना भूल गया आदमी। बस जीवन जीता है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सुबह उठता है, नहाता धोता है, खाता पीता है, सोता है, फिर उठता है, बस वही जीवन का उद्देश्य हो गया। जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं, क्योंकि किसी ने बतलाया ही नहीं। जो आज ब्राह्मण समाज का वर्चस्व चलता है, जो आज पूजा और पाठ का वर्चस्व चलता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने को जानना, और अंतिम जीवन का उद्देश्य है अत्यंतिक सुख की प्राप्ति, और दूसरे शब्दों में कहे तो पूर्ण रूप से दुख की निवृत्ति। क्या इसके लिए हमने समय दिया है? अत्यंतिक सुख, अत्यंतिक का मतलब होता है जो कभी नहीं छूटने वाला है। क्या उस सुख के लिए हमारे पास समय है? क्या उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उस शांति को प्राप्त करने के लिए हमने कभी अपना समय एक घंटा दो घंटा संतों के सानिध्य में लगाया है? कभी उस जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने आप से प्रश्न किया, क्या अत्यंतिक सुख कैसे मिलेगा मुझे? हमने तो वो किया ही नहीं, फिर पूजा कैसे हो गई? कौन सी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा से कल्याण नहीं होने वाला है। इस पूजा से तो हम बंधन में और पढ़ते चले जा रहे हैं। हम दूसरे पर आलंब बनाए बैठे हैं कि उनकी कृपा से होगा, हम और बंधन में धंसते चले जा रहे हैं। इससे कल्याण नहीं हो पाएगा।
संत जन बताते हैं तुम ही अपने जीवन के मालिक हो और हम सबको जगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो कुछ करो सो पूजा। जब पूजा समझ कर करेंगे तो भोजन बनाना पूजा होगा, भोजन करना और भोजन कराना पूजा होगा, सफाई करना झाड़ू लगाना पूजा होगा, टॉयलेट की सफाई भी पूजा होगा, घर की सफाई भी पूजा होगा, नहाना धोना दूसरे की सेवा करना दूसरे का ध्यान रखना भी पूजा होगा। जब कोई आदमी पूजा करके पूजा समझ करके कोई कार्य करता है तो गलत नहीं करता है। जब किसी अतिथि का स्वागत पूजा समझ करके करता है तो पूर्ण ध्यान उनका केंद्रित होता है कि मैं कितना अच्छे ढंग से इसको व्यवस्थित कर पाऊँ, कितना सुंदर ढंग से मैं अपने अतिथियों का सम्मान कर पाऊँ। उनका मन पूजा में लगा है। जो आदमी का मन पूजा में लगा होगा क्या अन्याय करेगा, क्या कटु वचन बोलेगा, क्या किसी के साथ अत्याचार करेगा? जिस आदमी के मन पूजा में लगा होगा वो क्या कभी गलत दृष्टि रखेगा, क्या कभी गलत चिंतन करेगा? पूजा का अर्थ समझ जाए तो जीवन बदल जाएगा। हमने पूजा का अर्थ अभी तक हमने जीवन में या तो हमने जाना है अर्थ जाना है लेकिन जीवन में आचरण नहीं किया, इसलिए हम पूजा तक नहीं पहुंच पाए। जानना अलग चीज है, करना अलग चीज है, और जानने के लिए संत गुरुजन बताते हैं लेकिन करना हम सबको होगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा, हम सबको अपने ही जीवन को तराशना होगा, हम सबको अपने ही जीवन को ऊपर उठाना होगा। सिर्फ नैया पार संत गुरुजन सहारा देते हैं, ठोकर देते हैं, लेकिन पार हम खुद को करना होगा। संत गुरुजन कहते हैं तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सदगुरु कबीर जगाने का प्रयास किए समाज को। बाहर परमात्मा नहीं बताए, आपके अंदर अपने ही अंदर परमात्मा है, उसे जगाने का प्रयास करो। सदगुरु कबीर ने अपने अंदर परमात्मा बताया। जाग सके तो जाग, आज अवसर मिला है, जाग सकते हो तो जाग जाओ। आज ये अवसर मिला है, कल यह अवसर नहीं मिलेगा। आज अवसर मिला है, हम अच्छे ढंग से बैठे हैं, कौन जानता है किस वक्त हमारी ये सांस की बुलबुला खत्म हो जाए, कौन जानते हैं किस वक्त हमारी मौत आ जाए, किस वक्त हम मृत्यु के गले लग जाएं, कौन जानते हैं? कोई नहीं जानते। आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, अच्छे वाणी का उपयोग कर सकते हैं, आज अवसर मिला है, जीवन को तराश सकते हैं हम। इसलिए हम सुंदर जीवन का निर्माण करें। और सदगुरु कबीर की एक एक वाणियों में जैसे अमृत घुला है और एक एक पंक्ति उनकी जीवन को ऊपर उठाने का काम करता है, इसलिए हम सब कुछ सदगुरु कबीर साहब के वचनों के अनुसार से जीवन को बदलने का प्रयास करें और पूजा का अर्थ सही ढंग से समझें। पूजा का अर्थ बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बराबर वालों के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, संत के लिए, सबके लिए बराबर होता है। पूजा का मन जब भाव में बन जाएगा, पूजा का भाव जब मन में बन जाएगा तो कभी किसी के साथ गलत नहीं होगा, कभी किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। यही पूजा की सार्थकता है। सदगुरु कबीर का यही संदेश है जो कुछ करो सो पूजा। हम पूजा करना सीख जाए बस जीवन में तो निश्चित ही हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, पूज्यवर साहब जी विराजमान हैं, साहब जी से निवेदन है कि अपने कल्याणकारी सदगुरु कबीर बीजक चिंतन से अपना एक विशेष चिंतन है साहब का, और साहब जी अपने ढंग से सदगुरु अभिलाष साहब जी की व्याख्या है, उसके बाद साहब अपना चिंतन अपना मनन सब समाज के पेश सामने पेश करते हैं। आपका अलग चिंतन है बीजक मर्मज्ञ, आपका अलग दृष्टिकोण है और बहुत सरल और सहज ढंग से आपकी वाणी सब समझ सकते हैं सदगुरु कबीर के बीजक को। बोलिए सदगुरु देव की जय।